गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लासेस। ये हमारा नया पार्ट शुरू हो रहा है पॉलिटी का। पहले वाला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सारा यूनियन टेरिटरी के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फिर सिटीजनशिप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट जो हम बताया था पिछले वीडियो में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग को सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझ जाएंगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मशीनरी को समझने में आसानी होगी। तो हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए दो वीडियो डाल रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। फिर दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में और इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। दो तरह का गवर्नमेंट होता है। जो भी पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, वो पूरे पॉलिटिक्स को समझ के, पूरे पॉलिटिक्स को एनालाइज करके दो पार्ट में पूरे सिस्टम को डिवाइड किए हुए हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, ये सब में है। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो USA में है, ब्राज़ील में है, रसिया में है, श्रीलंका में है। इस सब कंट्री में जनरली प्राइम मिनिस्टर सुनने को नहीं मिलता है। जो मेजर पोस्ट होता है, जो बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, प्रेसिडेंट का होता है। USA का प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं जानता, ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं जानता, वहाँ केवल प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को जानता है। लेकिन वही अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाए तो वहाँ PM ऑल इन ऑल होता है। इंडिया के प्रेसिडेंट को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा लोग जानता है। ऐसे ही कनाडा, ब्रिटेन और जापान में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कि दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, पर सेंटर में आर्टिकल 74 और 75 दिया हुआ है कि सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। और आर्टिकल 163 और 165 में दिया हुआ है कि स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। अब होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हम उसको देख लेंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। सबसे पहले क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव और एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो भी डिसीजन होता है, जो भी कैबिनेट को हेड करता है, पार्लियामेंट का जो हेड करता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जितने भी मिनिस्टर हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट पे बाध्य होता है। इसलिए प्रेसिडेंट को केवल एक स्टाम्प के रूप में यूज करता है, जो भी रिकमेंडेशन आया बस उनको अप्रूव करना है। तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। फिर मेजोरिटी पार्टी अप्रूव। मेजोरिटी पार्टी रूल का मतलब क्या हुआ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज मैक्सिमम सीट विन करके आती है, मैक्सिमम सीट जीत के आती है, चाहे वो MP का चुनाव हो या MLA का चुनाव हो, जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में रहेगी वही सरकार बना सकती है। एक मेजोरिटी पार्टी रूल हो गया। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी कैबिनेट होता है, कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हाउस होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये मिनिस्टर जो होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं और लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। तो जो भी मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लोकसभा के लिए पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पार्टिकुलर। हालांकि मिनिस्टर दोनों हाउस से हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर कोई मिनिस्टर बनता है तो 6 महीने के अंदर में उसको MP होना जरूरी है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, चाहे वो जैसे बने। फिर स्विम एंड सिंक टुगेदर। स्विम एंड सिंक टुगेदर का मतलब अगर जो कैबिनेट है, कैबिनेट का जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री एक टीम की तरह काम कर रहा है, वो अगर काम करेगा तो सारा मिनिस्टर एक साथ करेगा, और नहीं करेगा तो पूरा पार्टी एक साथ खत्म हो जाए, मतलब डिजॉल्व हो जाएगी। फिर पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब होता है जो भी मिनिस्टर्स होते हैं जनरली
एक पार्टी के होते हैं, मतलब विनर पार्टी के होते हैं। तो विनिंग पार्टी के जब आते हैं तो सबका आइडियोलॉजी, सबका कॉन्सेप्ट, सबका मोटिवेशन एक तरीके से होता है, दो किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इसलिए वर्क प्रॉपर होता है। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ? डबल मेंबरशिप का मतलब होता है कि जो भी कैबिनेट हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो लेजिस्लेटिव के लिए भी, लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनका दोनों में मेंबरशिप होता है। अगर कोई मिनिस्टर बन गया और उस मेंबर्स नहीं है पार्लियामेंट में, तो 6 महीने के अंदर में उनको मेंबर्स बनना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप होता है, जो जो भी विनिंग पार्टी है उसका जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस 5 साल के अंदर में, पाँच साल के बाद प्रेसिडेंट पार्लियामेंट लोकसभा को डिजोल्व कर देता है। पावर ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर होता है, फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का पावर एक साथ यूज होता है। फिर हम अगर इसी रेफरेंस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या हुआ कि यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, केवल एक प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर का कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर सेपरेट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सेपरेट होगा और लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होगा, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कम्प्लीटली अलग अलग है। प्रेसिडेंट का जो में के इलेक्शन में जो जीत के आएगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, लेजिस्लेचर के इलेक्शन में जो जीत के आएगा वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बनेगा। ये जो गवर्नमेंट होता है नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, लेकिन जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। इसमें पोलिटिकल होमोजेनिटी नहीं होता है। पोलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब डिफरेंट पार्टीज के लोग भी मिनिस्ट्री में आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ एक कांग्रेस पार्टी विनर है तो उसी पार्टी के केवल मिनिस्टर रहेंगे। डिफरेंट हर एक पार्टी के पास एक अपना अपना एक्सपर्ट होता है, अपना अपना मिनिस्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो सबसे कॉम्पिटेंट होता है वो लेजिस्लेचर में आता है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी का चांस कोई नहीं है। सिंगल मेंबरशिप होता है, मिनिस्टर जो होते हैं केवल लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। प्रेसिडेंट हमेशा डोमिनेंट रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर डोमिनेंट रहते हैं। डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस इसमें नहीं होता है, मीन्स हमारे यहाँ जो लोकसभा हर एक 5-5 साल पर डिजोल्व होते रहता है, वैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है। लोकसभा हमेशा नॉन डिजॉल्वेबल होता है, परमानेंट बॉडी होता है। जो विन करके, जो जीत करके आता है वो उसका मेंबर होता है, जो हारता है वो मेंबर से निकल जाता है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर आता है, पावर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट सेपरेट पावर आता है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहता है। फिर अगर हम इसका मेरिट्स की बात करें, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में हारमोनी बना रहता है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है, दोनों एक डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है दोनों के बीच में हमेशा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। ये जो गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें डेस्पोटिज्म की भावना नहीं आता। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टी एब्सोल्यूट पावर में नहीं आ सकती, क्योंकि मैक्सिमम 5 साल का समय है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। अगर दूसरी पार्टी जीत गई तो पहले वाले पार्टी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, मीन्स कोई भी इसमें एब्सोल्यूट पावर ऑटोक्रेसी टाइप का कोई माहौल बनने का चांस नहीं है। लेकिन जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे ऑटोक्रेसी आ जाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं कि जो मन कर रहा है वो कर रहा है, नॉर्थ कोरिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो मन आ रहा है वो कर रहा है, पब्लिक का कोई कंट्रोल नहीं है प्रेसिडेंट पे। इसमें वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें नैरो रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर एक पार्टी के लोग इसमें नहीं आ पाते हैं, इसमें पूरे ऑल ओवर द इंडिया का या पूरे कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होता है। जो डिमेरिट अगर देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अनस्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमेशा स्टेबल होता है। इसका जो भी पॉलिसी होता है नॉन कंटिन्यूअस होता है। जैसे कांग्रेस सरकार आए तो अपना पॉलिसी अपने हिसाब से बनाई, उस समय जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा गांधी योजना, राजीव, मतलब जो भी योजना है, जो भी प्लान है, सब स्कीम में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों का नाम रहेगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आए, समय अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मीन्स पहले वाले गवर्नमेंट का सारा पॉलिसी चेंज करके नया पॉलिसी बनाते हैं। तो दोनों गवर्नमेंट, दो जो मेजोरिटी पार्टी है, जब गवर्नमेंट रूल मतलब रूलिंग बनती है तो रूलिंग में बस केवल एक दूसरे का स्कीम को बिगाड़ने में देश को बिगाड़ रहा है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है, उसमें जो भी पॉलिसी होता है कंटिन्यूड होता है, कंटिन्यू करता है और डेफिनेट पॉलिसी होता है। इसलिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ ग्रोथ, कंट्री का ग्रोथ ज़्यादा सही है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का कोई कंसेप्ट मतलब अगेंस्ट है, दोनों एक साथ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक साथ काम करता है, सेपरेशन ऑफ पावर का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना अपना काम करता है तो सेपरेशन ऑफ पावर आता है। इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ एमएचएस का मतलब होता है सारे नौ, जो भी कोई भी पॉलिटिक जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उनका कोई
स्पेशलिस्ट नहीं होता, कोई एक्सपर्ट नहीं होता, बस आम जनता से कैसे वोट लेकर के पैसा से या कोई थर्ड डिग्री यूज करके वोट ले लेते हैं, विन कर पार्टी को मतलब इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर आके 5 साल तक इंजॉय करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें हर एक पोर्टफोलियो का वो एक्सपर्ट होता है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, मतलब हर एक पार्टी में एक अपना पोर्टफोलियो बनाकर रखते हैं और जो एक्सपर्ट होता है उसी को गवर्नमेंट में भेजा जाता है, इसलिए सारे मिनिस्टर लोग एक्सपर्ट होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होता है। फिर हम बात करते हैं फेडरल और यूनिटरी सिस्टम ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ पार्ट फेडरल है, कुछ कंसेप्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और कुछ कंसेप्ट यूनिटरी कंसेप्ट से लिया गया। जनरली फेडरल कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए का है, ये जो फेडरल कॉन्सेप्ट चलता है वो यूएसए में चलता है, और जो यूनिटरी कॉन्सेप्ट है वो कनाडा में चलता है। कनाडा में भी यूनिटरी कॉन्सेप्ट चलता है। जनरली फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। ट्रीटी का मतलब क्या हुआ, एक समझौता, ट्रीटी और एग्रीमेंट मीन्स दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में या दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस पॉइंट पे प्लाने प्लाने पॉइंट पे एक साथ मिल करके काम करेंगे और सबको मिला करके एक फेडरल बना जाता। यूएसए जब बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो लगभग 50 छोटे 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 स्टेट्स मिलकर आपस में एग्रीमेंट किए और मिलकर के एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। वैसे ही कनाडा भी छोटा छोटा अबाउट 10 स्टेट्स का यूनियन है। इंडिया में क्या है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है बट फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होता। फुलफिल कैसे नहीं होता है, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर में, यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब सारे स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इंडिया जो बना है कोई एग्रीमेंट करके नहीं बना है। दूसरा क्या है कि किसी स्टेट को राइट नहीं है जो इंडिया को छोड़ के कहीं दूसरे अपना कंट्री बना ले। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज होता है वो यूनिटरी यूज होता है। फिर जो फेडरल कंसेप्ट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डुअल पॉलिटी होता है, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों मिल के काम करते हैं। यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल था। आज के डेट में 465 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जो भी पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बटा हुआ है। तीन तरह के लिस्ट होते हैं शेड्यूल 7 के हिसाब से। शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में स्टार्टिंग जब संविधान बना उस समय 100 सब्जेक्ट थे, लेकिन आज के डेट में केवल 97 सब्जेक्ट बने बचे हुए। जो स्टेट लिस्ट है उसमें टोटल 61 सब्जेक्ट था संविधान के बनने के समय, आज के डेट में 66 सब्जेक्ट्स हो गया। कंकरेंट लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रोल रहता है, उसमें स्टार्टिंग में 52 सब्जेक्ट था, आज के डेट में 47 रह गया। एक पावर का डिवीजन होता है प्रॉपर यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। जो कंकरेंट लिस्ट में उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रोल रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी मींस जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का। कोई भी रूल बना लो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करेगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, कुछ प्रोविजन ऐसा है जो कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन, जब तक पूरा 50% स्टेट उसको रेटिफाई नहीं करेगा और मेजोरिटी 50% से ज़्यादा लोग उसको वोट नहीं करेंगे, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप उसमें वोट नहीं करेंगे, तब तक वो अमेंड नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस मामले रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी हमेशा इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं। बाई कैमरलिज्म है, सेंटर में अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, तो ये बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। अगर हम यूनिटरी फीचर देखें, सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहता है, जो भी पावर है सारा सेंटर के पास, स्टेट के पास कोई पावर नहीं। इसको बोला जाता है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब जो स्टेट है वो कम हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टिंग में 14 स्टेट था, आज के डेट में 29 स्टेट है। सेंटर जब चाहे 29 स्टेट को मिला के एक स्टेट्स बना सकती है, लेकिन इंडिया का जो एरिया है, जो टेरिटरीज है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, हमेशा इनडिस्ट्रक्टेबल होता है।
फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया का है, इसलिए सिंगल ये यूनिटरी फीचर हो गया। यूनियन डोमिनेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है उसमें केवल यूनियन का डोमिनेंस होता है, स्टेट कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने के लिए। इनइक्वालिटी इन स्टेट रिप्रेजेंटेशन, स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनइक्वल है, हर एक स्टेट का फिक्स नंबर है राज्यसभा में, अगर हम राज्यसभा का सीट देखें तो हर एक स्टेट का सीट फिक्स दिया गया है, चाहे उसका पॉपुलेशन कुछ भी हो। इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, इमरजेंसी प्रोविजन लगाया गया, जैसे ही जब चाहे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है पूरे कंट्री में या किसी कंट्री के किसी पार्ट में, जैसे ही इमरजेंसी लगाया जाता है उस समय स्टेट का सारा पावर उठ करके सेंटर में आ जाता है, जितने स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस सारे सब्जेक्ट पे सेंटर हमारा रूल बना सकता है। सिंगल सिटीजनशिप है, कोई आदमी केवल इंडिया का सिटीजन है, लेकिन अगर हम यूएस में जाए तो वहाँ डबल सिटीजनशिप होता है, कोई कुछ लोग को कंट्री का भी, मतलब कुछ सारे लोगों को कंट्री का सिटीजनशिप अलग मिलता है और स्टेट का सिटीजनशिप अलग मिलता है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, जो कि यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विस, जो आईएएस आईएफएस आईपीएस होते हैं उनको ऑल इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम तमिलनाडु वाले आईएएस केवल तमिलनाडु में काम करेंगे या केवल महाराष्ट्र वाले केवल महाराष्ट्र में काम करेंगे। तो सेंटर का मन है जहाँ चाहे जिस आईएएस आईपीएस जितने ऑल इंडिया सर्विस कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, जितने भी सीए कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ये जितने भी बॉडीज है उसका मतलब इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि सेंटर का कैग अलग है स्टेट का अलग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टेट का अलग है सेंटर का अलग, सेंटर वाला सीबीसी कैग सीबीआई किसी भी स्टेट में जाकर के इंक्वायरी कर सकता है, कुछ फ्रॉडुलेंट हो रहा है तो उसको पकड़ सकता है। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है हमेशा सेंट्रल के थ्रू होता है, स्टेट का उसमें कोई राइट नहीं होता है, सेंटर जिसको चाहे उसको गवर्नर बना के स्टेट में पोस्ट सकता है, पोस्ट कर सकता है, तो एक यूनिटरी फीचर है। पार्लियामेंट हैज फुल अथॉरिटी ओवर स्टेट डिस्क ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे ही इमरजेंसी लागू होता है उसमें पार्लियामेंट का फुल अथॉरिटी हो जाता है स्टेट लिस्ट में रूल बनाने का। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल और यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में और इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। तो अगला वीडियो देखिए इसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।